आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय आजमगढ़ पर पुरानी पेंशन बहाली, निशुल्क चिकित्सा सहित 23 मांगों के लिए संगठन के जिला अध्यक्ष ब्रजेश राय की अध्यक्षता में धरना संपन्न हुआ। धरने को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेश महामंत्री श्री इंद्रासन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षक हितों को नजरअंदाज कर रही है और नए नए नियम लागू कर रही है, जिससे शिक्षक संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ब्रजेश राय ने कहा कि सरकार शिक्षकों की परिलब्धियों को छीनने का कुत्सित प्रयास कर रही है, जिसका शिक्षक संघ एकता के बल पर विरोध करेगा और सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, मैं बड़े जिम्मेदारी पूर्वक आपके सामने कहना चाहता हूँ कि आज मेरे शिक्षक साथी हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।